क्या आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रा का क्या एंट्री और कॉन्ट्रा का क्या मतलब है। देखिए कॉन्ट्रा की बात करें तो कॉन्ट्रा एक सिंपल से और साधारण से लैंग्वेज में समझें, कॉन्ट्रा का मतलब होता है जब आप अपना पैसा कैश का पैसा बैंक में जमा कराएंगे तो आप कॉन्ट्रा के मारेंगे, या अपना पैसा बैंक से निकालेंगे देन आप कॉन्ट्रा के एंट्री मारेंगे। और अगर किसी वर्ड के साथ कैश के साथ बैंक पार्टी का नाम जुड़ता है या बैंक के साथ पार्टी का नाम जुड़ता है देन आप रिसीव और पेमेंट की एंट्री मारेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास 2 लाख रुपए कैश में, मैं जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ देन फिलअप कॉन्ट्रा एंट्री। मैं लाइन में खड़ा होकर ATM से पैसे निकाल रहा हूँ देन कॉन्ट्रा एंट्री। मेरे अकाउंट में किसी ने 2 लाख रुपए की RTGS करी रिसीव या पेमेंट, मैंने किसी को 1 लाख रुपए का NFT करी देन पेमेंट, मुझे किसी ने करी रिसीव, मैंने करी तो पेमेंट, बैंक में कैश जाके डाल दिया तो कॉन्ट्रा। जहां कैश और बैंक वर्ड साथ में आएगा, क्या आएगा? कैश और बैंक वर्ड साथ में आएगा तो क्या मारेंगे आप? कॉन्ट्रा की एंट्री मारेंगे। किसकी एंट्री मारेंगे आप? कॉन्ट्रा की एंट्री। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? आ गया समझ में? चलिए यहाँ पर देखिए अपनी कंपनी, अपने घर की बात होती है ना वो वाली, हाँ कॉन्ट्रा या कैश। अब यहाँ पर डी आ गया, अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ तो क्या बढ़ेगा मेरा? कैश बढ़ेगा। मैं बैंक में पैसा डालूंगा, जेब से पैसा निकालूंगा, बैंक में जाके पैसा डालूंगा तो मेरा कैश बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? आपका बैंक बढ़ेगा और आपका क्या कम होगा? तो आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल बोलता है कि जो चीज आती है उसको डेबिट करो और जो चीज आती है उसको क्रेडिट करो। डेबिट वाज कम और क्रेडिट वाज गो आउट। या क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? आप इसको एंट्री मार के सेव कर दीजिए। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब मैंने बैंक से पैसा निकाला तो क्या बढ़ेगा? और क्या कटेगा? क्लियर? अब बैंक वालों ने मुझे फैसिलिटी देते हैं, SMS फैसिलिटी, चेक बाउंस होने पे पैसा काटने की फैसिलिटी, इन्फॉर्मेशन करने की फैसिलिटी, हर चीज की हमको फैसिलिटी देते हैं। अगर इन फ्यूचर फैसिलिटी में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब जो हमारे बैंक वाले हमसे फैसिलिटी के पैसे चार्ज करेंगे जिसको हम लोग बैंक चार्ज बोलते हैं, क्या उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा से मार सकते हैं या उसके लिए पेमेंट मारें? पेमेंट मारेंगे। क्या आप लोग बोलते हैं क्या मारनी चाहिए? पेमेंट मारनी चाहिए। अरे तुम में से कितने लड़के जो कॉन्ट्रा के लिए हैं, हाथ खड़े करना। कॉन्ट्रा खड़े हो? और कितने? मतलब ये जो है तो करो ना नॉलेज, आपको प्रॉब्लम है ना, सॉर्ट आउट नहीं हुआ ना तो क्वेश्चन पूछे ना। कॉन्ट्रा वाले कितने लड़के हैं इसमें? हाँ जो एंट्री कॉन्ट्रा से मारना चाहते हैं। अगर मैं बैंक वाले मुझे जो फैसिलिटी दे रहे हैं, बैंक वाले जो मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं उसकी एंट्री पेमेंट से मारनी है या कॉन्ट्रा से? बोलो जो समझ आ रहा। पेमेंट रिसीप दो वर्ड ही है। हाँ बोलो। कॉन्ट्रा नहीं मार सकते क्योंकि इसके अंदर अगर आप आके देखोगे तो कैश और बैंक ही आएगा, कॉन्ट्रा नहीं आएगा, तो उसके लिए आप पेमेंट मारेंगे। जब कैश और बैंक वर्ड आए ना भाई साथ में देन मारो कॉन्ट्रा एंट्री, अदरवाइज को कुछ करने की जरूरत। ये तो बैंक से पैसा कट रहा है ना कॉन्ट्रा, और बैंक में पैसा डालोगे कैश में, बैंक से पैसा कैसा कैश में निकालोगे देन कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ ब्याज बढ़ेगा तो इसलिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इस तरीके की आप लोगों का एंट्री कट रहा है, ठीक है। अब आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों ने देखा कि आप किस तरीके से बीजी के अंदर कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते हैं।